विरोध का पाठ पढ़ेंगे। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेस का प्रबंध किया। वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती, बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चित था और गवर्नेस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और ना ही उसने इसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया, कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपये पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया दबे स्वर में बोली। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो, तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की ही तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए है? जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन, वह कुछ संकोच से बोली। क्या कहती हो, मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है, 2 महीने के हुए, 60 रूबल, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किया हो। रविवार को तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोलिया को घुमाने ही ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी क्राफ पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, तो 3 छुट्टियां और 9 रविवार, हो गए 12 दिन। उधर कोलिया 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। हाँ हाँ, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। 12 और 7 हुए 19। 60 में से 19 दिन का नागा घटाए तो बचे 41। इस 41 रूबल क्यों, ठीक है ना? जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने गला साफ किया, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोली कुछ नहीं। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। प्याला बहुत कीमती था। चलो, उसके 2 रूबल ही काटूंगा। देखो, तुमने ध्यान नहीं रखा और कोलिया वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वानिया के जूते चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। अब पैसे तो कटेंगे ही, तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, हर बात डायरी में लिखी है। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो, दिखाओ। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे, शायद मैं भूल, अश्रु भरे स्वर में उसने कहा।
मैं कठोर हो उठा और बोला, दिए होंगे नहीं, दिए है। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ? जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे, आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई, क्यों नहीं? देखो हो जाता ना अनर्थ। अच्छा कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। अब शेष बचे 11 रूबल, लो देख लो, अब तुम भी गिन लो। कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्रॉक की जेब से जेब में ठूंसे, फिर भराई हुई विनीत आवाज में बोली, जी धन्यवाद। मैं क्रोध से उबल रहा था, कमरे में चक्कर लगाता हुआ अपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इस बात का। मैं अधिक ना सह सका, लगभग चिल्लाते हुए उच्च स्वर में बोला, मुझे धन्यवाद दे रही हो? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिया लिए है, और तुम कहती हो धन्यवाद? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। क्या, कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया, मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। अपने स्वर को धीमी और मधुर कर मैं फिर बोला, जूलिया मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है, मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था, पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो इधर, मैंने तुम्हारे 80 रूबल अलग रखे है, पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या जरूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू दब्बू और बोदा बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति मुंह से आवाज भी ना निकाले, अन्याय का विरोध ना करे और बस चुपचाप सब सहन करता जाए? नहीं जूलिया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता और ना ही तुम्हें करने दूंगा। तुम चुप रहकर अन्यायी को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो, अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस संसार में दब्बू भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं।